बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, संगठन महामंत्री सोदान सिंह सहित बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक में मौजूदा भूपेश सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें बिजली की समस्या को लेकर प्रदेशव्यापी बड़ा आंदोलन जल्द करने का प्लान बनाया गया है। वहीं कहा गया कि कांग्रेस अब वक्त है बदलाव के आधार पर काम कर रही है। बैठक में यह भी मुद्दा लिया गया कि कांग्रेस अपने चुनावी वादों पर फेल नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस को चेताया गया है कि भाजपा आगाह करना चाहती है कि वो लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करना सीखे। कार्य समिति की बैठक के बाद कहा गया कि कांग्रेस बदलापुर की राजनीति छोड़कर विकास कार्य और जनता की सेवा में अपना ध्यान केंद्रित करे तो बेहतर होगा। विक्रम उसेंडी ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर बीजेपी जन आकांक्षाओं की रक्षा के लिए सड़क पर उतरने से पीछे नहीं हटेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई गई। बिजली की कटौती और किसान से लेकर आम उपभोक्ता भी परेशान है। बिजली हाफ की बात करने वाले पूरे छत्तीसगढ़ की बिजली की व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। उसके लिए जनता को, सरकार को जागृत करने के लिए एक अभियान जिला स्तर में छेड़ने की बात है। खाद और बीज का विषय किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस विषय को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के हमारी इस बैठक में निर्णय होगा।